नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके सामने, ये है कि जन्म पत्री के अनुसार जब हम किसी चीज को समझते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उस घर से संबंधित यदि जो रिश्ते हैं हमारे, उनको यदि हमने ठीक नहीं किया तो उस घर के अच्छे रिजल्ट फिर हमें नहीं मिल पाते हैं। जैसे तीसरे घर का संबंध होता है हमारे छोटे भाई से, यदि हम अपने जीवन में अपने छोटे भाई से अच्छे संबंध रखते हैं, मधुर संबंध रखते हैं, तो हमारे जीवन में पराक्रम की भी कभी कभी नहीं होगी। यानी आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको ना मिले ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि तीसरा भाव हमारी मेहनत का होता है, हमारे पराक्रम का होता है और उसका संबंध छोटे भाई से भी होता है। तो ऐसे लोग जिन्हें अपनी मेहनत के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं या बहुत मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलताएं नहीं मिल रही हैं, ऐसे लोगों को अपने छोटे भाई से संबंध जरूर बना के रखने चाहिए, अच्छे संबंध रखने चाहिए। और यदि संबंध खराब है तो उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र ठीक करना चाहिए। यदि आप ये करने में कामयाब हो गए तो आपको आपकी मेहनत का फल लेने से फिर कोई नहीं रोक सकता। हम मेहनत तो करना चाहते हैं, मेहनत करते भी हैं, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है तो हमें यह हमेशा अफसोस रहता है कि हमें अपनी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा। ये वो लोग हैं जो मेहनत तो करते हैं, रिजल्ट भी लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई से संबंध अच्छे नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी उनकी मेहनत का फल अच्छा मिल ही नहीं सकता। इसलिए कुंडली के यदि आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो कुंडली के आधार पर जो संबंध हमारे जिन घरों से बन रहे हैं उन संबंधों को भी हमको ठीक करना होगा। अगर वो संबंध हम ठीक करने में कामयाब हो गए तो फिर आपको उस घर के अच्छे रिजल्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता। फिर यदि आप कुछ उपाय नहीं भी कर पा रहे होंगे तो भी आपको उन घरों के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, चाहे उस घर में कितने ही मारक प्लेनेट क्यों ना बैठे हों, तब भी आपको उस घर के अच्छे रिजल्ट जरूर मिलने लगेंगे, क्योंकि एक सबसे बड़ा उपाय तो आप स्वयं कर रहे हैं उस घर से संबंधित जो रिश्ते हैं उनको मेंटेन करके। इसलिए हमारी कुंडली का जो तीसरा घर होता है उसका संबंध जो हमारे छोटे भाई से बनता है, उसको ठीक करने के लिए हमें अपने जीवन में अपने छोटे भाई बहनों से मधुर संबंध रखने चाहिए, तभी हमें अपनी पूर्ण योग्यता के आधार पर किए गए मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तो आज के बाद आपकी ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हमें अपनी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके अपने छोटे भाइयों से संबंध ठीक नहीं है जिसके कारण से ऐसा है। अब एक बात आती है कि जिनके छोटे भाई है ही नहीं वो क्या करे। वो कई लोगों के ऐसा भी होगा ना कि जिनके छोटे भाई नहीं होंगे या इकलौती संतान है या उनसे छोटा कोई है ही नहीं, वो खुद छोटे हैं, तो क्या करेंगे। ऐसे में आपके तीसरे घर के जो स्वामी हैं उनकी पूजा करना आपके लिए सदा अच्छा रहेगा। और जो भी आपसी उम्र में छोटे हैं, आपके छोटे भाई बहन समान हैं, उनके साथ मधुर संबंध रखना, अच्छे संबंध रखना, अपने कजन्स के साथ अच्छे संबंध रखना, अगर आप ये भी करते हैं तो भी आपका तीसरा भाव अच्छा होगा और आपको तीसरे भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट भी जरूर मिलेंगे। तो अपने अच्छे रिजल्ट के लिए, अपने तीसरे भाव के अच्छे रिजल्ट के लिए, अपने पराक्रम के पूरे रिजल्ट के लिए आपको अपने छोटे भाई और अपने छोटों से अच्छे संबंध रखने चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, तभी आपको उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। इसलिए ये वीडियो आपके तीसरे भाव के अच्छे रिजल्ट लेने में आपकी मदद जरूर करेगा। आप अपने छोटों से अच्छी तरह से बना के रखें, उनका साथ दें, उनको सहयोग करें, तभी आपको आपके जीवन में अपने पुरुषार्थ के भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगले किसी वीडियो में और नई जानकारी लेकर के मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।